ओम शांति। त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन, गुलजार दादी जी के अनमोल वचन सुनते के। क्लास का टाइटल है योग को शक्तिशाली बनाओ। शुभकामना तब वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। 29 अगस्त 2007 क्लास है। हम सभी का दादी जी से इतना प्यार क्यों है? उनकी विशेषताओं को आप सभी जानते भी हो, वर्णन भी करते हो, और बाबा भी दादी की विशेषता का वर्णन करते हैं। दादी सदा स्वयं भी स्वमान में रही और दूसरों को सम्मान दिया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन दादी द्वारा प्यार और सम्मान मिलने से दादी से प्यार है। मान में रहेगा तो ऑटोमेटिक सबको सम्मान देगा। सम्मान में रहने से सबके प्रति भावना सामना रहती ही है, क्योंकि वो स्वयं ही अपने को एक मालिकपन की स्थिति में अनुभव करता है। और उनका जो भी संकल्प होगा, जो भी वाणी के एक एक शब्द होंगे, वो जो बाबा का फरमान है उसको मानने वाले होंगे। जैसे हमने देखा, हमारी जगत अम्बा माँ नंबर वन बनी। हमने देखा मम्मा जब आई, शुरू में तो मम्मा को ज्ञान देने वाली, कोर्स कराने वाली मम्मा से होशियार थी, फिर भी मम्मा मम्मा क्यों बनी? वन टू नंबर कैसे बनी? उसका मूल आधार देखा जाए तो मम्मा का एक ही शब्द होता था, मेरा लक्ष्य है। बाबा ने कहा और मैंने किया। मम्मा ने यही लक्ष्य रखा था कि बाबा का मम्मा का करना। अर्थ है कि जो बाबा की श्रीमत है, श्रीमत देखो, सुबह से लेकर के चेक करें, सवेरे उठने से लेकर रात्रि सोने तक बाबा से हर कर्म की शिक्षा मिली हुई है। उस अनुसार मम्मा ने प्रैक्टिकल किया। बाबा ने कहा मम्मा ने किया तो नंबर ले लिया। फिर दादी को देखो, दादी की भी यही एम रही, जो बाबा ने कहा है वो मुझे करना है। ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो उसका रिटर्न जरूर देना है, लेकिन अभी दादी से भी आप सबका प्यार है, तो जो दादी ने किया, दादी ने करके प्रैक्टिकल अपनी लाइफ से दिखाया करके आपको दादी को भी रिटर्न देना है, फिर डबल रिटर्न देना है। तो डबल रिटर्न देने की हिम्मत है, क्योंकि प्यार इसी को ही कहा जाता है। जिससे प्यार होता है वो जो कहेगा उसको टाल नहीं सकते हैं। हमें अपने चेक करना है कि सभी के प्रति हमें सम्मान की वृत्ति रहती है, और अगर हम सम्मान देने वाले हैं उसकी निशानी क्या होगी। जो दादी में हम लोगों ने देखी, आप सभी अनुभव की है कि दादी से जो भी मिलता था, बड़ी दादी अर्थात प्रकाशमणि दादी में ही नए सेवाओं के लिए हमारे से छुट्टी ली। दादी की एक विशेषता ये थी कि सभी को अपनापन लगता था। अब सभी अनुभव दादी से जो भी मिलता था, दादी से यही फीलिंग आती थी हमारी है, वो चाहे फॉरेनर्स हो, चाहे इंडियन वाला या वाला, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, लेकिन दादी हमारी है ये फीलिंग आती थी। इज्जत होती थी, इज्जत होती थी ना दादी के ऊपर। हमारी लाइफ में भी हमारी ऐसी नेचर हो, हरेक समझे ये हमारे है, ये इजी है, ये लवली है, तो अपने आप को चेक करना पड़ेगा। हमारे में छोटा बड़ा वो तो नंबर वार होगा ही, लेकिन हमारी किसी के प्रति नेगेटिव वृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को कोर्स कराते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो।
जो हम कहते हैं पहले किसने किसके कानों में, पहले हमारे कानों में पड़ते तो हम दूसरों को सुनाते, माना पहले अपने को सुनाते। ये चेकिंग हमारी हो जाए, कानों को ही कहते हैं क्या करे, इनका स्वभाव ही ऐसा। बाबा ने एक बारी कहा था कि क्या ये कहना राइट है, एक है समझना और दूसरा है उसकी कमजोरी को अपने दिल में समझ समाना। समझना और समाने में रात दिन का फर्क है। इसका स्पष्टीकरण जो है हम कल देखेंगे। रात ओम शांति।